तकलीफ तो बहुत हो रही होगी तुम्हें। देश मुल्क वतन की क्या बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कॉलेज में। बस बहुत हो गया, और एक लफ्ज नहीं, चली जाओ यहाँ से। तुम तो ऐसे ना थे, तुम्हारा दिल तो हिंदुस्तानी था, प्यार था तुम्हें हिंदुस्तान से। गिला मुझे हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तानियों से है। आज भी ये दिल चीर के देखो, मेरे मुल्क मेरे देश का नक्शा अब भी छपा मिलेगा इस पर। झूठ, बिल्कुल झूठ। शर्म आती है मुझे अपने आप पर कि मैंने तुम जैसे दोगले आदमी से प्यार किया। ये तो वक्त ही बताएगा कि तुमने क्या प्यार किया और हमने क्या प्यार किया। झूठ, तुमने कभी प्यार किया ही नहीं, तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया है। मैंने प्यार नहीं किया? मैंने? तो फिर ये बंदूक मेरे हाथों में किसने थमा दी? मेरे ही प्यार ने इतनी नफरत मेरे अंदर किसने भर दी? मेरे ही प्यार ने वतन मुल्क देश बाबूजी घर मां क्या नहीं खोया मैंने अपने इस प्यार के खातिर। इस प्यार ने तो मेरी सारी जिंदगी बदल कर रख दी, और तुम कहती हो मैंने प्यार नहीं किया। बहुत प्यार किया है तुमने मुझसे, बहुत प्यार किया है। हाँ, क्या इस प्यार के भरोसे मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? प्यार में सौदा करने की आदत इन अमीरों की जान ले लेती है हम जैसे गरीबों की। मांगो, मांग कर देखो, जान तक दे दूंगा। मुझे तुम्हारी नहीं, उन सब जानों की सलामती चाहिए जो यहां पर कैद हैं। छोड़ दो उन्हें। उनमें मासूम बच्चे हैं, निर्दोष औरतें हैं, वो लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं। तुम्हारी दुश्मनी चाहे जिनसे भी हो, उनका गुस्सा इन पे मत निकालो। तुम्हें गुमराह किया गया है इस आतंकवाद के अंधेरे में। तुम तो इतने बेरहम नहीं थे। ठीक है, मुझे जवाब मिल गया कि तुमने कितना प्यार किया है मुझसे। ठहरो, मांगी तो तुमने मेरी जान ही है, लेकिन जो मेरे प्यार का दावा ना साबित कर सके वो जान किस काम की। क्या चाहती हो तुम? उन लोगों की रिहाई? जाओ, छोड़ा उन्हें, लेकिन उन्हें रिहा करने की एक शर्त है, तुम मेरे पास बंदी रहोगी। मंजूर है, एक आतंकवादी और क्या शर्त रख सकता है। बहुत जल्द तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप के मुंह से उगलवा दूंगा कि ये आदमी शाम से शाका कैसे बना। मैंने शाम से प्यार किया था, जिस दिन शाका शाम बन जाएगा मेरा वो प्यार भी लौट आएगा, लेकिन मैं जानती हूं ये हो नहीं सकता। बुआ, अब आप आजाद हैं, आप सब जा सकते हैं। ये ठीक कह रही हैं, तुम सब आजाद हो, अपने अपने घर जा सकते हो। जाओ, चुप चुप जियो बेटा। खबरदार, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो कोई नहीं जाएगा यहां से। मैंने अपनी जबान दी है। शाका, तुम पागल हो गए हो, दारा से दुश्मनी मोल लेना चाहते हो इस लड़के की खातिर? यही समझ लो कि मेरा पहला मकसद कुछ और है। दारा तुम्हें जान से मार देगा, उससे बचोगे तो हिंदुस्तान की फौज तुम्हारी जान ले लेगी। हम तो कब से अपनी जान हथेली पे लिए घूम रहे हैं, कम वक्त कोई लेता ही नहीं। मुझे पता था ये लड़की तुम्हें अपनी मौत के करीब ले जाएगी। खबरदार जो मेरे फैसले में दखल देने की कोशिश की। चली जाओ यहां से, चली जाओ वरना गोली चला दूंगा। तुमने हम पर गोलियां चलाई, अपने साथियों पर?
चली जाओ यहां से। शबनम, लगता है इस परेश का जुनून सवार है। इस वक्त चलो यहां से, मेरी बात मानो। ड्राइवर, इन सबको अपनी मंजिल तक पहुंचा दो। चल बेटी, जल्दी चल, चल। चलो। आप जाइए बुआ, और तू? ये समझ लीजिए कि इसने आप सबकी रिहाई की कीमत चुकाई है। क्या? और हाँ, राजा साहब को मेरा एक पैगाम देना। मैं आ रहा हूं, लेकिन इस बार शाम बनकर नहीं, शाका बनकर। समझ गई बेटा, समझ गई। पर अगर मैं राधिका के बिना घर जाऊंगी तो मुझे बहुत मार पड़ेगी बेटा। तू तू राजा साहब के पास पहुंचना चाहता है तो ऐसा कर, तू भी हमारे साथ बस में जा रहा है। अब चलो भी, हमें भी तो अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचना है। चलो राधिका बेटी, अपना ख्याल रखना। हाँ चलो। तुम काला मुंह लेकर इधर चली आई? मैंने सोचा हम दोनों में से एक की तो जान बचे। डरपोक है बुआ। ओहो, तू कितना बहादुर है ये अब पता चलेगा। शाका सीधा यहीं आ रहा है। क्या? हाँ डैड, डैड मैंने बोला था ना डैड, अब आप परलोक सुधारने की तैयारी कर लो। ओहो भाई साहब, इसको मारने से कुछ नहीं होगा। शाका ने कसम खाई है आपको मारने की। मैंने बोला था ना। मैं अब भी कहती हूँ अपने आप को हिंदुस्तानी फौज के हवाले कर दो। हिंदुस्तान की फौज तुझे क्या मारेगी? तुझे तो मैं मारूंगा। मैं मैं जानता था जैसे ही मेरी बंदूक तेरी कनपट्टी पे आएगी ना, डर के मारे तेरी बंदूक नीचे गिर जाएगी। पर आतंकवादी तो अपने आप को बड़ा होशियार समझता है, बंदूक अपने पास गिराइए। अभी सब सेट करता हूं। मुझे मत मारो। अरे मारना है तो इसके बाप को मारो जिसके कहने पे मैंने सब कुछ किया। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे बाप के कहने पे किया। उसने मुझे पैसा दिया कि इन बाप बेटे को मार मार के आतंकवादी बना दो, क्योंकि ये तुमसे प्यार करता था। अरे मुझे तुम्हारी प्रेम कहानी से क्या लेना देना? मुझे बचा लो राधिका, मैं तुम्हारे बाप के पैसे भी देने को तैयार हूँ। मैं घूसखोर बना इस चटोरी चटोरी जबान की वजह से। अरे मुझे चाट खाने का शौक था, मैं घूस लेना भी छोड़ दूंगा। मुझे बचा लो राधिका, मुझे बचा लो।
मुझे मत मारना, मैं मरना नहीं चाहता। तुम चाहो तो मेरी दूसरी आंख भी फोड़ दो, मेरी टांग काट दो, मेरी नाक काट दो, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। ऊपर ना चाट मिलती है ना गोलगप्पे, मैं ऊपर नहीं जाना चाहता। ऊपर गोलगप्पे कैसे खाऊं? इतना दर्द, इतनी तकलीफ तूने मेरी खातिर, मुझे माफ। आज यहां के राजा को दारा के दर पर आना पड़ा? दारा, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हम बुरे बनकर आतंक फैलाते हैं और तुम लोग सफेद कपड़े पहनकर आतंक फैलाते हो, भोले भाले लड़कों को आतंकवादी बनाते हो। मुझे शाखा का सर चाहिए दारा, वरना वो तुम्हें मार देगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा। शाखा की तलाश जारी है। और दूसरा, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। वो भी मिल जाएगी, लेकिन राजा साहब, हर चीज की एक कीमत होती है।